हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे यूनिवर्सिटी में ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, तो हम और अश्विनी दोनों जा रहे हैं वहाँ पर ब्लड डोनेट करने। तो चलिए वहाँ पर दिखाते हैं कितना संख्या में स्टूडेंट लोग वहाँ पर अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं और क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध है। तो दोस्तों ये है मालवीय भवन, जहाँ पास ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। ये देखिए इधर एक एम्बुलेंस लगा हुआ है, अरे बिहार सरकार का। पता नहीं। तो दोस्तों मालवीय भवन के रूम नंबर 105 में ब्लड डोनेशन वाला काम चल रहा है। तो यही है 105 रूम नंबर। सभी लोग डोनेशन तो ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि यहाँ पास रजिस्टर कर दिए हैं। ये सारे भाई लोग हैं हमारे लॉ डिपार्टमेंट के, जो कि यहाँ पास ब्लड डोनेट करने आए हैं। और इन लोगों के साथ हम कबड्डी भी खेले थे, जो कि बहुत ही मज़ा आया था कबड्डी खेलकर। कबड्डी प्लेयर भैया जी आप इतना चेहरा दिखाइए। कबड्डी कोच प्लेयर। दोस्तों तो मेरा टाइम आ गया था ब्लड डोनेट करने का, मतलब नंबर था। नंबर के बाद फिर जब मेरा टाइम आया तो हम फिर बेड पर लेट गए और फिर जो डॉक्टर्स लोग जो थे ब्लड निकालने का तैयारी करने लगे। ये सब आए हुए थे अनुग्रह नारायण मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज जो गया में है, वहीं के सारे लोग आए हुए थे। तो फिर ये अपना वेन चेक करके ब्लड निकाले, 1 यूनिट ब्लड डोनेट किए हम। और ब्लड डोनेशन का टाइम में हमें एक बॉल दिया गया था, जिसे हमें प्रेस करते रहना है। स्माइली वाला बॉल था, जिसे मतलब अच्छा से ब्लड निकल सके हमारे वेन से। तो दोस्तों ब्लड डोनेट करने के बाद ये हमें मिला रिफ्रेशमेंट के तौर पे एक मैंगो फ्रूटी और एक बिस्किट मिला और एक मूंग दाल मिला। तो ये 3 चीज़ हमें ब्लड डोनेट करने के बाद मिला। तो दोस्तों ये है बायोटेक की एक स्टूडेंट जो कि ब्लड डोनेट करने आई थी। ब्लड डोनेट करने के बाद इसे चक्कर आने लगा। तो दोस्तों फाइनली हम अपना ब्लड डोनेट करके आ गए। और जो अश्विनी था इसका नहीं हो पाया, क्योंकि इसका हेमोग्लोबिन थोड़ा कम था, इसलिए इसको सजेशन नहीं दिया गया डोनेट करने के लिए। और जितना उम्मीद था, मतलब वो बोल रहा था वहाँ पास कि जितना हमें उम्मीद था कि ब्लड डोनेशन के लिए, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पास स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, जिसमें मतलब बहुत लोग तो थे कि दिखाने के चक्कर में या तो फिर चलो हम भी साथ में चलते, हम भी साथ में चलते, ऐसा करने के चक्कर में। अब देखे हुए कि एक लड़की मतलब ब्लड डोनेट की और डोनेट करते के साथ उसे गश्ती घुमारी मार दिया, एकदम सीरियस हो गई। तो ऐसा भी नहीं करना है। ललक में आकर मतलब किसी के बहकावे में आकर या तो फिर कि नहीं हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, ये कोई चीज़ नहीं है। कि वहाँ अगर आप हेल्थी हैं पूरा तरह से तो आप डोनेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ आप में खुद ज़रूरत है ब्लड का, वहाँ आप डोनेट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होगा ही ना। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। और बाकी यहाँ का जो भी इवेंट होगा, कुछ भी यहाँ पास होता रहेगा, तो हम आप लोग के पास वीडियो के माध्यम से पहुँचाते रहेंगे।